हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको मोबाइल से नववर्ष एवं गणतंत्र दिवस के लिए इस प्रकार का पोस्टर बनाना सिखाएंगे, जैसे आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर आप अपना फोटो लगा सकते हैं और फोटो के नीचे नाम भी लिख सकते हैं। ये सब आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। इस प्रकार का पोस्टर जब आप बनाकर अपने फेसबुक अथवा इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते हैं तो आपको बहुत सारे लाइक भी मिलेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं आपको पोस्टर कैसे बनाना है। आपको पोस्टर बनाने के लिए सबसे पहले इस इमेज की आवश्यकता होगी। इस इमेज को मैंने पहले से ही बनाकर रखा है, जिससे आपको पोस्टर बनाने में आसानी हो। इस इमेज की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। इस इमेज को डाउनलोड कर लेने के बाद आपको प्ले स्टोर से पिक्सल लाइव ऐप को डाउनलोड कर लेना है। आपको यहाँ पर पिक्सल लाइव ऐप लिखा दिख रहा होगा, ये आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। इस ऐप को डाउनलोड कर लेने के बाद आपको इसी ऐप को ओपन करना है। जैसे आप पिक्सल लाइव ऐप को ओपन करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। आपको सबसे पहले इस न्यू टेक्स्ट को हटा देना है। इसे हटाने के लिए डिलीट वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद ओके के बटन पर क्लिक कर देना है, जिससे न्यू टेक्स्ट हट जाएगा। अब आपको यहाँ पर इस नीचे इस आइकन पर क्लिक करना है। इस आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको आगे जाना है। आगे जाकर यहाँ पर फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है, जिससे आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी में आ जाने के बाद आपको उसी इमेज को चूज कर लेना है जिसे आपने अभी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड किया था। चलिए मैं इस इमेज को चूज कर लेता हूँ। देखिए, मैंने इस इमेज को चूज कर लिया। चूज करने के बाद आपको यहाँ पर स्टिक वाले निशान पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब आपको यहाँ पर इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करना है और उसी टेक्स्ट को यहाँ पर ले आना है और टेक्स्ट पर डबल टैप करके इस न्यू टेक्स्ट को हटा देना है। इसे हटाने के बाद जैसे मैंने यहाँ पर एवं गणतंत्र दिवस लिख दिया, इसी प्रकार आपको लिख देना है। इसके बाद ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। देखिए, अब आपको कुछ इस प्रकार का दिखेगा। अब आपको यहाँ पर इस ए वाले आइकन पर क्लिक करना है। ए वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको आगे जाना है। आगे जाकर यहाँ पर ए वी फॉन्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप कोई सा भी फॉन्ट चूज कर सकते हैं। चलिए मैं ये वाला फॉन्ट चूज कर लेता हूँ। फॉन्ट को चूज करने का आपको यहाँ पर ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर आगे जाना है। आगे जाकर यहाँ पर स्टॉक पर क्लिक करना है और इसे इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद आपको यहाँ पर येलो वाला कलर चूज कर लेना है, जैसे मैंने कर लिया है, और इसकी थोड़ी स्ट्रोक विड्थ बढ़ा देनी है। देखिए, मैंने यहाँ पर स्ट्रोक विड्थ बढ़ा दी है और टिक वाले निशान पर क्लिक कर देना है। अब आपको पीछे जाना है। पीछे जाकर यहाँ पर कलर पर क्लिक करना है। कलर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रेड वाला कलर चूज कर लेना है। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर रेड कलर चूज कर लिया और टिक वाले निशान पर क्लिक कर देना है। अब इसकी थोड़ी लेंथ बढ़ा देनी, जैसे मैं यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ। देखिए, आपको इसकी लेंथ बढ़ाकर इतनी कर देनी जैसे आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसके बाद आपको आगे जाना है। आगे जाकर यहाँ पर 3D टेक्स्ट पर क्लिक करना है, इसे इनेबल कर देना है। देखिए, ये 3D में इनेबल हो चुका है, अब अच्छा लगने लगा होगा। इसके बाद टिक वाले निशान पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अब आपको फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने का टेक्स्ट पर क्लिक करना है और टेक्स्ट को यहाँ पर ले आना है और इस पर डबल टैप करना है। इस पर डबल टैप करने के बाद न्यू टेक्स्ट को हटा देना है। न्यू टेक्स्ट को हटा देने के बाद जिसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसी प्रकार आपको लिख देना है। इसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अब आपको पीछे जाना है। पीछे जाकर यहाँ पर कलर पर क्लिक करना है। कलर में आपको ब्लू वाला कलर चूज कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पर ब्लू कलर चूज कर लिया। इसके बाद टिक वाले निशान पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर आगे जाना है। आगे जाकर यहाँ पर ए वी फॉन्ट पर क्लिक करना है। ए वी फॉन्ट पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से वही वाला फॉन्ट चूज कर लेना है। इसके बाद ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से आपको स्क्रॉल करके आगे जाना है। आगे जाकर स्ट्रोक पर क्लिक करना है और इसे इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद आपको यहाँ पर व्हाइट कलर चूज कर लेना है, जैसे मैंने कर लिया, और इसकी थोड़ी विड्थ बढ़ा देनी है और टिक वाले निशान पर क्लिक करके इसकी थोड़ी लेंथ बढ़ा देनी, जैसे मैं यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ। आपको कुछ इस प्रकार से कर देना है। इसके बाद आपको आगे जाना है। आगे जाकर फिर से 3D टेक्स्ट पर क्लिक करके इनेबल कर देना है। देखिए, 3D में इनेबल हो चुका है। इसके बाद टिक वाले निशान पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट पर क्लिक करना है और इसे यहाँ पर ले आके न्यू टेक्स्ट को हटा देना है। न्यू टेक्स्ट को हटा देने के बाद आपको यहाँ पर शुभकामनाएं लिख देना है। इसके बाद अब आपको फिर से ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको फिर से पीछे जाना है। पीछे जाकर यहाँ पर ए वी फॉन्ट पर क्लिक करना है। ए वी फॉन्ट पर क्लिक करने के बाद फिर से वही वाला फॉन्ट चूज करके ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको आगे जाना है। आगे जाकर यहाँ पर कलर पर क्लिक करना है। कलर में आपको रेड वाला कलर चूज कर लेना है। देखिए, मैंने यहाँ पर रेड कलर चूज कर लिया है और उसकी थोड़ी लेंथ बढ़ाकर यहाँ पर टिक वाले निशान पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको पीछे जाकर यहाँ पर स्ट्रोक पर क्लिक करना है और इसे इनेबल कर देना है। यहाँ पर आपको वाइट कलर चूज कर लेना है। देखिए, मैंने यहाँ पर व्हाइट कलर चूज कर लिया। इसके बाद थोड़ी लेंथ को बढ़ा देना है और टिक वाले निशान पर क्लिक कर देना है। अब आपको फिर से इसी प्रकार आगे जाना है। आगे जाकर 3D टेक्स्ट पर क्लिक करके इसे इनेबल कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पर 3D टेक्स्ट इनेबल कर दिया है और टिक वाले निशान पर क्लिक कर देना है। अब आपका पोस्टर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं आप यहाँ पर अपना फोटो कैसे लगाएंगे। फोटो लगाने के लिए आपको फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है।
प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फ्रॉम गैली पर क्लिक करना है, जिससे आपके फोन की गैली ओपन हो जाएगी। गैली में आ जाने के बाद आप जिस भी फोटो को लगाना चाहते हैं उस फोटो को चूज कर लीजिए। चलिए मैं इस फोटो को चूज कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर फिर से टिक वाले निशान पर क्लिक कर देना है। देखिए जिससे इस प्रकार से फोटो आ जाएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। देखिए मैंने इस फोटो का बैकग्राउंड पहले से हटा रखा है। अगर आप अपने फोटो का बैकग्राउंड हटाना नहीं जानते हैं तो इस पर मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब आपको इस फोटो को बैकग्राउंड हटाकर यहाँ पर इस प्रकार से लगा देना है, जैसे मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। देखिए आपको अपने फोटो को इस प्रकार से रख देना है जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पर इस बीच वाले आइकन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको आगे जाना है, आगे जाकर यहाँ पर स्ट्रोक पर क्लिक करना है और इसे इनेबल कर देना है, जिससे ये देखिए फोटो अब अच्छा लगने लगा होगा। इसके बाद टिक वाले निशान पर क्लिक कर देना है। अब आपको अपने फोटो पर नाम लिखने के लिए इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टिकर पर क्लिक करना है। स्टिकर पर क्लिक करने के बाद आपको आगे जाना है, आगे जाकर यहाँ पर ये वाला स्टिकर ले लेना है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये वाला स्टिकर लेकर यहाँ पर रख देना है जैसे मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। देखिए मैंने इस स्टिकर को यहाँ पर रख दिया। इसके बाद आपको इस बीच वाले आइकन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको आगे जाकर यहाँ पर कलर पर क्लिक करके इस पर इनेबल कर देना है और यहाँ पर ब्लू वाला कलर चूज कर लेना है, जैसे यहाँ पर मैंने ब्लू कलर चूज कर लिया और टिक वाले निशान पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको फिर से इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और टेक्स्ट पर क्लिक करना है और टेक्स्ट को यहाँ पर ले आकर इस पर डबल टैप करना है, न्यू टेक्स्ट को हटा देना है। इसे हटाने के बाद आपको यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। चलिए मैं यहाँ पर कोई सा नाम लिख देता हूँ। नाम लिख देने के बाद आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देना है। देखिए ये नाम यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पर ए वाले आइकन पर क्लिक करना है। ए वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको आगे जाना है, आगे जाकर यहाँ पर कलर पर क्लिक करना है और कलर में आपको व्हाइट वाला कलर चूज कर लेना है और यहाँ पर इसे रख देना है और टिक वाले निशान पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको आगे जाना है, आगे जाकर यहाँ पर ए वी फॉन्ट पर क्लिक करना है और फिर से आपको कोई सा फॉन्ट चूज कर लेना है। देखिए इस प्रकार यहाँ पर आपका फोटो और नाम दोनों लिख जाएंगे। देखिए अब आपका पोस्टर बनकर तैयार हो चुका है। इसे सेव करने के लिए शेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है। शेयर वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेव टू गैली पर क्लिक कर देना है, जिससे आपका पोस्टर गैली में सेव हो जाएगा। देखिए ये पोस्टर गैली में सेव हो चुका है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें।